इंटरचेंज, जब एक से दो कांटेक्ट एक दूसरे में आते हैं तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब डेटा को चेंज कर देते हैं। द लोकट प्रिंसिपल इज ऑफन साइटेड इन फॉरेंसिक साइंस एंड इज रिलेवेंट इन डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो उसका प्रिंसिपल ये था कि व्हेन टू मेक टू एटम्स, दो कोई भी चीजें अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। विल बी मतलब जरूरी नहीं कि हर बार इंटरचेंज हो गए, लेकिन हो सकता है कि वो इंटरचेंज हो सकते हैं। व्हेन एन इंसिडेंट टेक्स प्लेस अ क्रिमिनल विल लीव अ हिंट एविडेंस एट द सीन एंड रिमूव हिंट एविडेंस फ्रॉम द सीन। कभी कभी क्या करते हैं क्रिमिनल, जानबूझ के कोई हिंट है ना एविडेंस रखते हैं, जो दूसरे का नाम आ जाए या फिर दूसरे का कोई सीन इस तरह से क्रिएट कर देते हैं। और वो क्या करते हैं फिर एक्चुअल जो एविडेंस हमें मिलना चाहिए कि किसने प्रूव किया ये, उसको अल्टर कर देते हैं। अल्टरेशन मतलब हमें एक्चुअल क्रिमिनल कोई और होगा और प्रूफ के लिए, हिंट एविडेंस के लिए किसी दूसरे के चीजें रख देते, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो एक्चुअल जो एविडेंसेस है वो चेंज हो सकते हैं। मेनी मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड इन कन्वेंशनल फॉरेंसिक साइंस टू स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट क्रिमिनल्स। उसके लिए स्ट्रांगली हमें क्या करना पड़ता है फिर, अभी क्या होगा कि एविडेंसेस जो मिल रहे हैं वो किसी दूसरे के बारे में मिल रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा इस टाइम पे हमें प्रोसिक्यूशन में स्ट्रांगली प्रूव करना पड़ता है कि ये जो दिया हुआ है, ये जो एविडेंस है ये फॉल्स एविडेंस है, और ऐसा कुछ भी मतलब पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं किया है, जानबूझ के हिंट एविडेंस क्रिएट किया गया है। तो ये जब टू एटम्स मतलब क्या करते हैं कि सेम उसको चेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए नॉर्मली क्रिमिनल्स ये वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं, मतलब इस तरह से स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है। मेनी मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड इन कन्वेंशनल फॉरेंसिक साइंस टू स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट क्रिमिनल्स। टेक्निक यूज कंसिस्ट ऑफ ब्लड एनालिसिस, डीएनए मैचिंग एंड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। तो उस टाइम पे ये यूज करना पड़ता है, ब्लड एनालिसिस करना पड़ता है, कभी कभी डीएनए मैचिंग या फिर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन लेना पड़ता है। दिस टेक्निक्स आर यूज टू क्लेरिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सस्पेक्टेड पर्सन एट अ फिजिकल सीन्स। और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाला सस्पेक्टेड सीन्स के लिए क्रिमिनल मतलब फिजिकल सीन्स में कौन पर्सन था, क्योंकि डीएनए मैच एक से ही होगा, फिंगरप्रिंट एक से ही मैच होगा, एंड ब्लड एनालिसिस भी एक से ही मैच होगा। तो उस टाइम पे हमें ये वाले टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं सस्पेक्टेड पर्सन को वेरीफाई करने के लिए। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कर्ली सजेस्ट दैट वेयर देयर इज अ कम्युनिकेशन विद अ कंप्यूटर सिस्टम क्लू विल बी लेफ्ट। अगर वहाँ पे कंप्यूटर यूज किया होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे 101% वहाँ पे क्लू होगा। तो क्लू किस तरह से रहेगा वो, उसको फाइंड आउट करने का काम फिर एक्सपर्ट पर्सन का रहता है। अभी लोकोट प्रिंसिपल ने क्या दिया है कि कॉन्टेक्ट बिटवीन टू एटम विल रिजल्ट एन एक्सचेंज, और उसने ये फाइंड आउट किया है कि जब भी दो चीजें एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आएंगी तो वो एक्सचेंज हो जाती है, चेंज कर देते मतलब एक्चुअल को चेंज हो जाता है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एनी कॉन्टेक्ट एट अ क्राइम सीन्स इंक्लूडिंग बिटवीन द ऑफेंडर एंड विक्टिम, बिटवीन अ पर्सन विद अ वेपन, बिटवीन अ पीपल एंड द क्राइम सीन। तो जैसे ये दो अलग अलग आइटम्स है और उनके एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के बाद, एक्सचेंज होने के बाद वहाँ पे वो वाली क्राइम सीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अभी ये ट्रांसफर किस तरह से ऑकर होता है, अभी आपको पता है कि कोई भी एविडेंस अगर प्रूफ करना है तो नॉर्मली क्या होगा कि एक तो डिजिटल एविडेंस होगा और दूसरा रहेगा उसका फिजिकल एविडेंस। अभी मेरे पीसी से किसी ने अगर मेरे लॉगिन इंफॉर्मेशन हैक किया और मेरा एटीएम का पासवर्ड या फिर मेरे बैंकिंग डिटेल्स फाइंड आउट कर लिए, और उस बैंकिंग डिटेल्स को यूज करके अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है मनी, तो उसमें देखो एक तो फिजिकल सेंस में क्या रहेगा, अगर मेरे पीसी पे कोई बैठेगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स हमारे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर होंगे। और दूसरा डिजिटल एविडेंस क्या होगा, उसने उस कंप्यूटर को लॉगिन किया होगा, लॉगिन करने के बाद पासवर्ड दो तीन बार गलत डाल के देखे होंगे या फिर उसकी लॉगिन हिस्ट्री चेक किया होगा। तो ये वाले क्या है कि कुछ एविडेंस किस तरह से दे रहे, कुछ फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, फिजिकल मतलब उसके फिंगरप्रिंट, और कुछ एविडेंस क्या है वो है आपके डिजिटल एविडेंसेस। डिजिटल मतलब लॉगिन फाइल्स चेक करना, लॉक फाइल्स चेक करना, पासवर्ड, ईमेल चेक करना, मैसेज चेक करना, ये वाले जो है ये सारे आपके डिजिटल एविडेंसेस आ जाते हैं।
तो इन दोनों को मिला के क्या होता है फिर, दोनों एक्सचेंज दोनों को मिला के हमारा क्राइम सीन्स कंप्लीट होता है। तो अभी ये जो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका एक डायग्राम दिया है कि एक ऑफेंडर है और एक विक्टिम है। ऑफेंडर मतलब क्राइम करने वाला पर्सन, और ये विक्टिम है। जिस दोनों के बीच में क्या रहेगा कि कोई लिंक रहेगा जिसको वो स्टोल करने के लिए बार बार उसको चेक किया जाएगा। फिर एविडेंसेस कैसे रहेंगे, या तो फिजिकल एविडेंस होगा या फिर डिजिटल एविडेंस होगा। तो जब भी क्राइम जब होता है तो फिजिकल एविडेंसेस में उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, डीएनए होंगे। तो वो फिजिकल सीन्स में जब हम चेक करने जाते हैं एविडेंसेस, तब विक्टिम के भी कुछ फिजिकल एविडेंसेस मिलेंगे और ऑफेंडर के भी मिलेंगे। और उसके बाद हम फाइंड आउट करना कि क्या क्राइम हुआ था। और क्राइम जब हम फाइंड आउट करने जाते हैं तब एविडेंसेस किस तरह से ट्रांसफर हुए गए, मतलब किस तरह से उसने लॉग इन फाइल्स, डेटा या फिर जो भी डेटा जो भी मिल रहा है वो किस तरह से गैदर किया, किस तरह से एक्सचेंज किया, ट्रांसफर किया। तो जब ये होता है ना तब एक डिजिटल क्राइम सीन्स कंप्लीट होता है। तो उसके लिए कुछ फिजिकल एज वेल एज डिजिटल एविडेंस मिला के एक क्राइम सीन्स का एक डिजिटल क्राइम कंप्लीट होता है। डिजिटल क्राइम में क्या होता है, एटीएम ट्रांजैक्शन आया, चोरी करना, लॉगिन डिटेल्स चोरी करना, अकाउंट को पासवर्ड डिटेल्स लॉक मतलब गैदर करना, ये सारे डिजिटल क्राइम सीन्स तब प्रेजेंट होते हैं। तो डिजिटल एविडेंस कैन रिवील कम्युनिकेशन बिटवीन सस्पेक्ट एंड द विक्टिम, ऑनलाइन एक्टिविटीज एट की टाइम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। कभी कभी हमें बोलते हैं ना कि आपके परचेस करो, तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, कभी कभी लिंक आ जाते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, तो उसकी वजह से ऑफेंडर और विक्टिम के बीच में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन सेटअप होता है। और ये कम्युनिकेशन सेटअप होने के बाद फिर एविडेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं। एविडेंसेस मतलब जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं ना इसके पीसी के, उसका लॉग इन आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली ऑफेंडर अपने पास उसको गैदर कर लेता है। इस तरह से उनके पास हैकिंग कुछ टूल्स होते हैं, इसकी वजह से भी ऑनलाइन भी थेफ्ट हो सकता है। तो इस तरह से जो जो प्रिंसिपल बताया है, उस प्रिंसिपल का कहना क्या है कि जब दो आइटम एक दूसरे के साथ आएंगे तो और उनके बीच में क्या होगा, फिर डेटा एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब टू आइटम्स मतलब जब ऑफेंडर और विक्टिम एक दूसरे से कांटेक्ट में जब भी आएंगे, या फिर लिंक पे क्लिक करेंगे, या फिर मैं कहीं अननोन वेबसाइट पे अपने डिटेल्स या पासवर्ड एंटर करूंगी, ऑटोमेटिकली सारा डेटा हमारा एक्सचेंज ऑफ एविडेंसेस ट्रांसफर हो जाएंगे। और एविडेंसेस जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसके पास चला जाएगा, और वहाँ पे क्राइम सीन्स, वहाँ पे डिजिटल क्राइम वहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है। इन एन ईमेल हैरेसमेंट केस द एक्ट ऑफ सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज वाया वेब बेस्ड ईमेल सर्विस सच एज हॉटमेल कैन लीव अ नंबर ऑफ ट्रेसेस। वेब ब्राउजर यूज टू सेंड मैसेज विल स्टोर फाइल, लिंक, अदर इंफॉर्मेशन ऑन सेंडर हार्ड ड्राइव। तो ये जो है ना, ये ईमेल का एक एग्जांपल दिया कि ईमेल जब होगा तो ईमेल कौन से एक पीसी से हो रहा है, कौन से वेब ब्राउजर को यूज करके हुआ है, उसका लॉग इन फाइल्स, हार्ड ड्राइव एंड ये सारा एक डेटा एक जगह पे होगा। फॉरेंसिक एनालिस्ट क्या करेंगे फिर, कहाँ से मैसेज आया, उसका आईपी एड्रेस, उसके लोकेशन, उसके डिटेल्स सब फाइल करेंगे, फाइल जो भी मिल रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे और अप्रोप्रिएट फिर पर्सन तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से नॉर्मली फास्टेस्ट हम किसी भी क्रिमिनल सीन्स को, मतलब क्राइम सीन्स जो होते हैं ना उसमें इजिली हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल लोकेट एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या है कि जब टू एटम्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये हमेशा व्हेन टू एटम्स मेक अ कॉन्टेक्ट देयर विल बी इंटरचेंज। मतलब जब ऑफेंडर और विक्टिम एक दूसरे से ऑनलाइन कोई लिंक सेंड करता है, उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उसके अगर डिटेल्स गैदर कर रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा कोई भी डिजिटल क्राइम, वहाँ पे ऑकर होगा। तो ये प्रिंसिपल नॉर्मली उसके लिए हमें क्या करना है कि दो अननोन पर्सन या फिर दो आइटम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऐसे हमें सिक्योरिटी मेंटेन करना है कि हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ना जाए। ठीक है। देन डिजिटल स्ट्रीम ऑफ बिट्स, डिजिटल स्ट्रीम ऑफ बिट्स कोहेन रेफर्स टू डिजिटल एविडेंस एज अ बैग ऑफ बिट्स विच इन टर्न कैन बी अरेंज इन एरे टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस बिट्स
will rarely make scenes and tools are needed to show the this structure logically so that it is readable. डिजिटल स्ट्रीम ऑफ बिट्स आपको पता है कि सारा डेटा जो रहता है हम बिट बाय बिट हमें ओरिजिनल से हम एक जगह पे उसको कॉपी कर लेते हैं तो उसको स्ट्रीम ऑफ बिट्स कहा जाता है जो एक एरे में अरेंज करके इंफॉर्मेशन उसका कॉपी किया जाता है द सर्कमस्टेंसेस इन विच डिजिटल एविडेंस आर फाउंड आल्सो हेल्प द इन्वेस्टिगेटर ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन मेटा डेटा यूज इज यूज अभी मेटा डेटा क्या होता है लार्ज साइज ऑफ डेटा का सब पार्ट्स ऑफ डेटा आप बना सकते हो तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर का अगर याद आएंगे रूल्स तो उसमें बताया था कि कोई भी एविडेंसेस मिलता है तो ओरिजिनल एविडेंस यूज़ नहीं करना है बिट बाय बिट सारे डेटा आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करना है दूसरा उसका सेकेंड डुप्लीकेट कॉपी बनाना है और डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर एग्जामिनर उसको एग्जामाइन करेगा और एनालिसिस करके उसके कंक्लूजन जो आएगा वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा तो बिट बाय बिट स्ट्रीम ऑफ डेटा को डिजिटल स्ट्रीम बिट्स का आ गया है यहाँ पे तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल एविडेंसेस के तो सबसे पहले एक लोकोड प्रिंसिपल है और दूसरा डिजिटल स्ट्रीम है तो इन दोनों से मिलके हमारे डिजिटल एविडेंसेस बनते हैं अभी टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंसेस कौन से एविडेंसेस के टाइप्स है देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंसेस अभी वो किस तरह से इलस्ट्रेटिव एविडेंस Illustrative evidence is also called as demonstrative. It is generally a representation of an object which is common from मतलब photograph है, video है, sound recording है, x-ray है, map है, drawing है, graph है, chart है, जो illustrate करते हैं मतलब जिसको देख के पता चलता है कि ये वाला जो है ये as evidence तो इलिस्ट्रेट मतलब जो डेमोस्ट्रेट देते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको इलिस्ट्रेटिव एविडेंस कहा जाता है तो उसमें फोटोग्राफ में अगर दिख रहा है तो वो डायरेक्टली दिखता है ना वीडियो में दिख रहा है साउंड रिकॉर्डिंग में कुछ है एक्सरे में दिख रहा है तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली वो मतलब उसको यूज करके आप प्रेजेंट कर सकते हो एक होता है दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज नथिंग बट डिजिटल एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक को हम हमेशा डिजिटल एविडेंस वर्ड यूज कर रहे हैं तो डिजिटल एविडेंसेस में क्या रहते हैं डिजिटल मतलब ईमेल हो आप अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में हार्ड डिस्क टैबलेट मोबाइल फोन्स ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें आप ईमेल सेंड करके मैसेज करके या फिर चैटिंग करके ये अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में ईमेल जो हार्ड डिस्क ड्राइव से आप कर रहे हो वो सारे एविडेंसेस एज अ प्रूफ कंसिडर किए जाएंगे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कौन से होते हैं डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इज सेम एज डेमोस्ट्रेटिव हाउएवर इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द प्रूफ इज प्रेजेंटेड इन राइटिंग इलस्ट्रेटिव और डॉक्यूमेंटेड नियर अबाउट सेम है बट यहाँ पे राइटिंग में लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट होता है विल होता है इनवॉइसेस होते हैं तो ये क्या है कि जो एक बहुत बड़ा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट विल्स उससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया होगा विल्स के लिए किया होगा इस तरह से थेफ्ट करने के लिए जो हम राइटिंग में कुछ मिलता है उसे डॉक्यूमेंटेड कहते हैं और इलस्ट्रेटिव का मतलब क्या है उसको लिखा हुआ नहीं रहता है एक सिंपल एक फाइल होती है साउंड फाइल एक्सरे या फिर फोटोग्राफ या वीडियो जिसको देख के ही पता चल जाता है वो राइटिंग फॉर्मेट में नहीं होते एक्सप्लेनेबल एविडेंस होते कुछ अपने आप ही एक्सप्लेन कर देते कि इस तरह से एविडेंस हुआ होगा दिस टाइप ऑफ एविडेंस इज टिपिकली यूज इन क्रिमिनल केस इन विच इट इज सपोर्ट the dependent either partially or totally removing their guilt in the case it is also referred to as exculpatory abhi ye exculpatory ka matlab kya explanation matlab aap explain karne wale ho jisko explain karna padta hai ki aise hua tha wo wahan pe gaya tha usne login kiya tha ya fir itne time pe 12 o'clock aap karte ho na uska pura record karte na 12 baje ye baitha tha mere pc pe फिर 12:30 बजे तक इसने यह इतने सारे वेबसाइट एक्सेस किए तो ये एक्सप्लेन करने पड़ते हैं हमें नॉर्मली इसने इतने सारे वेबसाइट ओपन किए थे तो ये जब हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है तो उसको एक्सप्लेनेबल एविडेंस कहा जाता है और सब्सटेंशियल एविडेंस का मतलब क्या है प्रूफ दैट इज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है फिजिकल मतलब आप कोई भी फिजिकल चीज़ दे रहे हो जैसे कैमरा है कैमरा में रिकॉर्ड हो गया सभी या फिर लैपटॉप लेके जाना पड़ रहा है लैपटॉप एक इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर किसी का मोबाइल फ़ोन है तो
तो जहाँ पे हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट लेके प्रूफ एज अ प्रूफ करना पड़ता है ना, तो उसको सब्सटेंशियल एविडेंस कहा जाता है. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंसेस एंड टेस्टिमोनियल. इट इज द काइंड ऑफ एविडेंस स्पोकन बाय द स्पेक्टर अंडर द ओथ और रिटन एविडेंस गिवन अंडर द ओथ. जब हमें ओथ लेके अगर कोई एविडेंस मतलब एविडेंस को प्रेजेंट किया जाता है, रिटन एविडेंस. ओथ का मतलब क्या है कि जैसे हम गारंटी दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओथ लेना मतलब जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, वो पिक्चर में भी दिखाते कि मैं शपथ लेता हूँ, सच बोल रहा हूँ, उस तरह से आपको ओथ लेके बताना पड़ेगा कि इस तरह से हुआ था. तो स्पोकन या फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स आप एविडेंस के थ्रू प्रूफ करते हो, एफिडेविट प्रूफ करते हो. एफिडेविट मतलब उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है लेकिन हम लिख के दे रहे कि ऐसा हो रहा था, और हम ऐसे वाले को टेस्टिमोनियल कहा जाता है. ओके, तो दीज आर द वेरियस एविडेंसेस. इलस्ट्रेटिव एविडेंस लाइक एज एक्सरे, फोटोग्राफ, वीडियोस. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इट इज एनी डिजिटल एविडेंस आल्सो, ईमेल, हार्ड ड्राइव. डॉक्यूमेंटेड एविडेंस विच आर इन रिटन फॉर्मेट लाइक एज कॉन्ट्रैक्ट एंड विल्स. एक्सप्लेनेबल, जिसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल में एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट. डायरेक्टली लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, कंप्यूटर लेके जा रहे हैं, या फिर कैमरा लेके जा रहे हैं, मोबाइल फोन प्रेजेंट करें, तो ये डायरेक्टली सब्सटेंशियल में आ जाता है, सब्सटेंशियल में. और लास्ट है टेस्टिमोनियल, मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई भी कहीं पे भी रिटर्न नहीं है, ना ही कहीं पे लिखा हुआ है. डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ रहा है, एक अंडरटेकिंग को, लाइक एज अंडरटेकिंग है. ओथ का मतलब क्या है, एफिडेविट को अगर हमें प्रेजेंट करना पड़ता है ना, एफिडेविट को, तो एफिडेविट प्रेजेंट करने के लिए एक ओथ, जैसे आप बोल सकते हो कि गारंटी, ये मैंने जो लिखा है ये करेक्ट है, अंडरटेकिंग के जैसे, तो उसे कहा जाता है टेस्टिमोनियल. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंसेस. अभी इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है टाइप्स ऑफ एविडेंसेस के बाद, वो है, ये देखो ये आपका सिलेबस है. ये मैंने बताया अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एविडेंसेस बताया आपको, लोकर प्रिंसिपल बताया, और बिट्स ऑफ स्ट्रीम जो रहते हैं वो बिट बाय बिट आपको कॉपी करना है. देन टाइप्स ऑफ एविडेंसेस बताया सभी. कैरेक्टरिस्टिक्स, दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोकर प्रिंसिपल एंड डिजिटल स्ट्रीम ऑफ बिट्स. एंड लास्ट वन इज द टाइप्स ऑफ एविडेंस. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी इसके दो ही रह गए, चैलेंजेस इन एविडेंस हैंडलिंग, क्या क्या हैंडलिंग करते समय चैलेंजेस आते हैं, एंड वोलाटाइल एविडेंसेस. वोलाटाइल एविडेंसेस में किस तरह से डिजिटल क्राइम हुए थे, और वहाँ पे किस तरह से क्राइम सीन था, और किस तरह से उस केस को हैंडल किया था, वो वोलाटाइल एविडेंसेस का नेक्स्ट वाला एक तीन चार केस स्टडी दिए आपको, उसमें से एक दो देखेंगे हम. ठीक है, तो चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं. व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, अ फेलियर टू एडवोकेटली डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक मेड बाय कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. एनालिटिकल डेटा माइट नेवर बी कलेक्टेड, क्रिटिकल डेटा मे बी लॉस्ट, और डेटा ओरिजिन और मीनिंग मे बी अननोन. मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्या होती है कि एनालिटिकल डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते, दूसरा है कि क्रिटिकल डेटा कभी कभी लॉस्ट हो जाता है. क्रिटिकल मतलब जो टाइम बाउंड डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, कि मतलब ओटीपी आया है थोड़ी देर के लिए, तो वो ओटीपी थोड़ी देर के लिए कि मोबाइल पे आएगा, बाद में चलेगा नहीं. तो क्रिटिकल टाइम बाउंड जो डेटा होता है उसको क्रिटिकल डेटा कहा जाता है, तो वो लॉस्ट हो जाता है, तो उसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते. और कुछ डेटा इस तरह से रहता है जो अननोन, जिसको आप यूजफुल नहीं है, इस तरह से आप कंसिडर किया जाता है. तो कौन से एविडेंस इसको प्रूव करना है, कौन से कंसिडर करना है, नहीं करना है, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. द चैलेंजेस फेस इन द एविडेंस हैंडलिंग मस्ट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय ऑल द इन्वेस्टिगेटर. सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर ने कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं वो समझ लेना है. दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू मीट दिस चैलेंजेस. देयरफॉर इट इज इसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ एक फॉर्मल एविडेंस हैंडलिंग प्रोसीजर होना चाहिए जो कंप्यूटर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेगा. मतलब प्रॉपर फॉर्मेट और प्रोसीजर होने चाहिए कि ये चैलेंजेस ना, मतलब प्रॉब्लम ना आए. इसलिए
तो सबसे पहले क्या करना है, ऑथेंटिकेशन ऑफ एविडेंस, ऑथेंटिकेट होना चाहिए. द लॉ ऑफ मेनी स्टेट ज्यूरिडिक्शन डिफाइन दैट एज रिटन वर्क्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम एज एविडेंस. अभी रिटन वर्क्स और रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए जब भी हम कोर्ट में जुडिशरी मैटर्स के लिए जब भी हम जाएंगे तो उसको रिटन वर्क या रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्मेट में होने चाहिए. और वो जो एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट, जो रिकॉर्डेड मटेरियल है, उसी को सिर्फ ऑथेंटिकेट कहा गया है, ऑथेंटिकेट. अगर डॉक्यूमेंट रिटन नहीं है, ना ही रिकॉर्डेड है, ना कोई एविडेंस मिला, तो उसको ऑथेंटिकेट एविडेंस नहीं कहा जाता. द एविडेंस दैट आर कलेक्टेड बाय एनी पर्सन इन्वेस्टिगेटर शुड बी कलेक्टेड यूजिंग ऑथेंटिकेट मेथड एंड टेक्निक. और जब भी ऑथेंटिकेट मेथड और टेक्निक यूज करके उसको कलेक्ट करना है. और वो एविडेंस एडमिसिबल होना चाहिए. एडमिसिबल का मतलब क्या है, एडमिट कर सकते हैं आप उसको, प्रेजेंट कर सकते हैं, और कोर्ट ने उसको अलाउ किया है ऑथेंटिकेट का, उसको ऑथेंटिकेट है, ये राइट राइट है, ये इसको आप प्रूव कर सकते हैं या फिर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह से एविडेंस ही आप जजिंग के लिए, जुडिशरी मैटर के लिए आप प्रेजेंट कर सकते हो. देखो अभी ये हो गया आपका, सबसे पहले ऑथेंटिकेट एविडेंस होना चाहिए. सेकंड है कि चेन ऑफ कस्टडी होना चाहिए. कस्टडी का मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब हम किसी क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो जितने सारे हमें वहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मिल रही है, कंप्यूटर मिल रहा है, हार्ड डिस्क मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, पेन ड्राइव मिल रहा है, वो सारे हम कस्टडी में रखते हैं और कस्टडी में उसका डुप्लीकेट डेटा बना के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो कस्टडी का मतलब क्या है कि ऑडिट के लिए जितनी बार एक्सपर्ट उसको एग्जामिन करेगा ना, तो उतनी बार उसका एंट्री रखना है. कितने टाइम पे उस एक्सपर्ट ने लॉगिन किया, कितने टाइम पे लॉग आउट किया, कौन कौन यहाँ पे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को कितने लोगों ने हैंडल किया, तो ये वाला जो सारा इंफॉर्मेशन जहाँ पे मेंटेन किया जाता है उसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी. द चेन ऑफ कस्टडी इन डिजिटल फॉरेंसिक कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज फॉरेंसिक लिंक, द पेपर ट्रेल और द अभी देखो चेन ऑफ कस्टडी में एक और पार्ट मैंने आपको बताया था कि एक ऑडिट के लिए और एक ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या रहता है, ऑडिट आपने वर्ड सुना होगा. ऑडिटिंग का मतलब क्या रहता है कि जैसे अभी हमारे कॉलेज में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आए, कितने नंबर ऑफ स्कैनर और प्रिंटर आए, तो बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स आते रहते हैं. तो इक्विपमेंट आने के बाद क्या होता है, ये इक्विपमेंट आने के बाद एक रजिस्टर पे एंट्री किया जाता है और उसको कंप्यूटर को यूज करने के लिए लैब में हैंड ओवर किया जाता है. लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत साल के बाद अचानक से क्या, वो स्कैनर गायब हो गया, उसके लैपटॉप के साथ आए हुए माउस नहीं है, उसके कीबोर्ड नहीं है या फिर वो कंप्यूटर नहीं है, तो ये सारा जो डेटा रहता है ना, ये वेरीफाई करने के लिए जो पर्सन आता है उसको ऑडिट कहते हैं. तो चेन ऑफ कस्टडी में जब हम नंबर ऑफ एविडेंसेस रखते हैं तो वो सारे एविडेंसेस हमें प्रॉपर कस्टडी में रखने हैं, और कस्टडी में जब रखने के बाद उनका एनालिसिस करना है, ईच डॉक्यूमेंट और पर्सन जितने बार उसको हैंडल करेगा, ये उसको एग्जामाइन करेगा, उनका प्रॉपरली एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है. और ये कस्टडी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई एक्सपर्ट आ रहा है उसको एग्जामिन करने के लिए, हो सकता है कि उसको अल्टर कर दिया, उसका डेटा चेंज कर दिया या फिर उसकी फाइल डिलीट कर दी. ये हमें समझ में आने के लिए चेन ऑफ कस्टडी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनर. उसके बाद अभी कस्टडी में जब भी डेटा आएगा तो एग्जामिनर का काम रहता है कि उसको उसमें से डेटा एविडेंस को गैदर करना, मीनिंगफुल डेटा निकालना, नॉट मीनिंगफुल डेटा कौन सा है, मीनिंगफुल कौन सा है, कौन सा ऑथेंटिकेट, कौन सा एडमिसिबल है, उसको फाइंड आउट करना और प्रेजेंट करना. और इम्पोर्टेंस टू द कोर्ट क्या है, इट इज पॉसिबल टू हैव एविडेंस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. अभी जो भी मिसिंग लिंक जो है, जो हमें कस्टडी के थ्रू हम फाइंड आउट करें, वो सारा हमें प्रेजेंट करना पड़ता है कोर्ट में. अभी प्रोसीजर टू एस्टेब्लिश चेन ऑफ कस्टडी. अभी देखो जैसे प्रोसीजर होना चाहिए, तो प्रोसीजर क्या है, पहले चेन ऑफ कस्टडी का एक प्रोसीजर दिया है उन्होंने, सीरीज ऑफ स्टेप्स दिए कि किस तरह से रखना है. सेव द ओरिजिनल मटेरियल, पहले जो भी ओरिजिनल मिल रहा है उसको सेव करके रखो. यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन कॉपीज ऑफ द डिजिटल एविडेंसेस. कॉपीज मतलब डुप्लीकेट डेटा के ऊपर ही वर्क करना है, ओरिजिनल डेटा एज इट इज सेव करके रखना है.
देन टेक द फोटोज ऑफ फिजिकल एविडेंस, जहाँ जहाँ पे मिलेगा उस फिजिकल एविडेंसेस के फोटोज लेके रखने हैं, वो ऑथेंटिक समझे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है डिजिटल एविडेंसेस का, देन डॉक्यूमेंट का डेट टाइम एनी इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है उसको फाइंड आउट करके वो भी ऑप्टेन करना है। इंजेक्ट अ बिट फॉर बिट क्लोन ऑफ डिजिटल एविडेंस, अभी ये बिट बाय बिट क्या करना है उसका कॉपी पेस्ट करना है, एंड परफॉर्म अ हैश टेस्ट एनालिसिस टू फर्दर ऑथेंटिकेट द वर्किंग क्लोन। तो हैश टेस्ट क्या होता है, हैशिंग, हैशिंग वाला जो कंसेप्ट आपको पता है ना, कितनी बार उसको चेक किया, क्या क्या मिला है डेटा। तो क्या करते हैं, एक साइड में सारे नंबर ऑफ एविडेंसेस लिख के रखते हैं और दूसरे साइड में कितने उसके कितने उसके ऑब्जेक्ट मिले। अभी डिजिटल एविडेंसेस में कैमरा, कैमरा के कितने फोटोग्राफ्स मिले, 3, लैपटॉप कितने मिले, 1। तो ये वाला सारा है ना एक जगह पे उसको हैशिंग टेक्निक के थ्रू हमें उसको नोट डाउन किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? देखो टॉपिक थोड़ा सा है ना जनरलाइज भी है और थोड़े से उसके कंसेप्ट जो है ना हमें ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में भी हो चुके हैं। अभी डिजिटल एविडेंस हमें पता है कि अगर कंप्यूटराइज हो गया तो उसको अच्छी तरह से ही रखना पड़ेगा, ओरिजिनल डेटा के कॉपी पे ही काम करना पड़ेगा। ओरिजिनल डेटा कभी भी मॉडिफाई, अल्टर या डिलीट नहीं होना चाहिए, इसलिए डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको कस्टडी में रखते। नेवर वर्क विथ ओरिजिनल एविडेंस, ये मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताया कि नेवर वर्क विथ ओरिजिनल एविडेंस टू डेवलप प्रोसीजर। कभी भी ओरिजिनल डेटा के ऊपर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करना है, ऑलवेज मेक अ बिट बाय बिट कॉपी पेस्ट करना है, एंड सेकेंड जो डुप्लीकेट कॉपी उसके ऊपर एग्जामाइन करना है। यूज क्लीन कलेक्टिंग मीडिया, जहाँ पे भी हम कॉपी करेंगे उसमें पहले से ही कोई डेटा नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन मतलब फॉर्मेट किया हुआ होना चाहिए, हार्ड डिस्क क्लीन होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई भी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फाइल्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट एंड एक्स्ट्रा स्कोप, अगर आपको लग रहा है तो उसका एक्स्ट्रा कॉपीज लेना है, डेट ऑफ रिसिप्ट, आइडेंटिफायर, सबमिशन नंबर, केस इन्वेस्टिगेटर, ये सारा जो आपको मिल रहा है ना ये सारा आपको वहाँ पे आप इसमें लेबल करके रख सकते हो, मतलब उस डॉक्यूमेंट जो भी डिजिटल एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके ऊपर आप लेबल गलाइज करके रख सकते हो। कंसिडर सेफ्टी ऑफ पर्सनल एट द सीन, अभी पर्सनल सेफ्टी क्या है कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यूज किए, कौन सा नेटवर्क वहाँ पे यूज किया है। इंटरव्यू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, यूजर कौन था, और कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट यूज किया है, कौन सा मीडिया यूज किया है, सीडी पीडी या यूएसबी ड्राइव यूज किया है। डॉक्यूमेंट लोकेशन कहाँ से किया गया, कौन से लोकेशन से हुआ, स्टोरेज एरिया कौन सा है, कहाँ कौन से ऑफ साइड यूज किए थे। तो ये सारा हमें क्या करना है कि पर्सनल सीन जो है ना उसको प्रॉपरली सेफली उस सीन को फाइंड आउट करना है और नोट डाउन करते जाना है और फाइंड आउट करना है, और ये जितना कुछ जितना भी मिलेगा उसको चेन ऑफ कस्टडी में स्टोर करते जाना है। ओके तो देखो प्रोसीजर्स में सबसे पहले क्या दिया, मैं वन मोर टाइम रिकॉल कर रही हूँ। प्रोसीजर्स में सबसे पहले जो दिया है, मतलब चैलेंजेस में सबसे पहले हमारा एविडेंस ऑथेंटिकेट होना चाहिए, फिर चेन ऑफ कस्टडी में हमारे एविडेंसेस स्टोर करके रखने हैं, जो कस्टडी में रखने के बाद एग्जामिनर उसको एग्जामाइन करेगा और कोर्ट में प्रूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एविडेंस वैलिडेशन, वैलिडिटी होता है, कुछ 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 टाइम बाउंड होते हैं, उसके बाद वो यूज नहीं किए जाते। द चैलेंज इज टू इंश्योर दैट प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड इज सिमिलर टू द डेटा प्रोवाइडेड और प्रेजेंटेड इन कोर्ट। सेवरल ईयर पासेस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एट जुडिशियरी प्रोसीडिंग विच इज वेरी कॉमन। टू मीट द चैलेंज ऑफ वैलिडेशन इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द ओरिजिनल मीडिया मैचेस द फॉरेंसिक डुप्लीकेशन। अभी डिजिटल वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन का मतलब क्या है कि बहुत साल तक कोर्ट में केसेस चलते रहेंगे तो उतने टाइम बाउंड तक उसको अच्छे से रखना है उस एविडेंस को कि हम प्रेजेंट कर सकेंगे कभी भी जब लगेगा। तो उसके लिए डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हम क्या करते हैं कि हैश फाइल, मैंने आपको बताया ना कितने कंप्यूटर्स गैदर किए थे, कितने पीडी मिले, कितने सीडी मिले, तो एक हैश वैल्यूज हमें जो यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली सेव करके रखना है और डुप्लीकेट डेटा के ऊपर ही सारा एग्जामिनेशन करना है ताकि अगर जरूरत पड़ेंगे तो हम ओरिजिनल डेटा एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं। वोलेटाइल एविडेंस,
नॉट ऑल द एविडेंस ऑन अ सिस्टम इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग. कुछ एविडेंस होलेटाइल मेमोरी नॉन होलेटाइल मेमोरी आपको पता है. तो होलेटाइल का मतलब क्या है कि जो टेम्पररी होते हैं उसके बाद वो लॉस्ट हो जाते हैं. तो ऐसे एविडेंस को हमें सबसे पहले कलेक्ट करके उसको प्रेजेंट करना पड़ता है क्योंकि बाद में उसका कोई यूज नहीं रहेगा और वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा बाद में. अगर हमने उसको कलेक्ट किया और उसको प्रेजेंट करने की वेट करते रहे तब तक वो अगर डैमेज हो रहा है तो लास्ट में उसका यूजफुल नहीं रहेगा. जैसे अटैकर अटैकर ने लिंक सेंड किया तो वो वोलेटाइल टेम्पररी था, वो बाद में हम यूज नहीं कर सकते. तो इस तरह से जो वोलेटाइल है, रजिस्टर, कैचे, टेबल्स, प्रोसेस टेबल, प्रोसेसिंग होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोसेस रन होते, तो ये टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए रन होते हैं. तो उनका जो डेटा जो भी मिल रहा है ना फटाफट से उस बैकअप को प्रेजेंट करना पड़ता है. और ऐसे एविडेंस इसको प्रूव करना थोड़ा सा टेंडियस जॉब है, इसको थोड़ा हार्ड जाता ही है. कैचे फाइल, टेम्पररी फाइल, डिस्क, रिमोट लॉगिंग, मॉनिटरिंग डेटा, ये वाला जो है ना टोपोलॉजी कौन सा था, ये वाला थोड़ा सा हार्ड जाता है. तो ये नॉर्मली हमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं कि सबसे पहले हमारा डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए. ऑथेंटिकेट के बाद ये सारा डेटा हमारा चेन ऑफ कस्टडी में अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से एग्जामिन होना चाहिए, डैमेज, अल्टर या मॉडिफाई नहीं होने चाहिए. और लास्ट में एविडेंस को वैलिडेट करके रखना है. वैलिडेट का मतलब क्या है कि उसकी वैलिडेशन, मतलब जैसे ऑथेंटिकेट है, यूजफुल है, उसका हैश वैल्यू मतलब एज इट इज डुप्लीकेट यूज किया है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. और वोलेटाइल एविडेंसेस को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में प्रेजेंट करना है. तो ये रहते हैं हमारे डिजिटल एविडेंसेस के चैलेंजेस. तो डिजिटल एविडेंसेस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप डिजिटल एविडेंसेस प्रूव करने जाने वाले हो तो सबसे पहले गैदर करो, उसका एक बैकअप बनाओ, ओरिजिनल डेटा को एज इट इज कस्टडी में रखो. और जब आप वोलेटाइल टाइप के अगर कोई मिल रहे हैं तो सबसे पहले उसको प्रेजेंट करो. और नॉन वोलेटाइल के जो भी मिलेंगे, नॉन वोलेटाइल मतलब जो टाइम बाउंड नहीं है, आप कभी भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनको बैकअप कस्टडी के अंदर रखना है, उनको प्रेजेंट करना है. तो ये जो है एविडेंसेस, ये सारे हमें प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू ही प्रेजेंट करने हैं. जो एडमिसिबल है, जो ऑथेंटिकेट है, वही कोर्ट में अलाउ होंगे. जो ऑथेंटिकेट एडमिसिबल नहीं होंगे वो कोर्ट में अलाउ नहीं होते. तो मैं एक दो केस पढ़ के बताती हूँ आपको. एक तमिलनाडु का केस है, चेन्नई सिटी में हुआ था ये. और उसके लिए कौन सा लॉ अप्लाई हो जाता है, लॉ 66 ऑफ आईटी एक्ट, आईटी एक्ट के 2120B 420, इतने सारे ऑफेंसेस उस पर अप्लाई किए गए. ये क्रिमिनल्स के जो ऑफेंसेस होते हैं ना, कलम बोलते हैं हम, ये सारे आईपीसी के सेक्टर्स उसके ऊपर लागू किए गए. अभी क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड था. सभी को समझ में आया क्या चैप्टर? प्लीज रिप्लाई फास्ट, फिर मैं केस स्टडी एक्सप्लेन करती हूँ. मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था. बोरिंग मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ाने में. ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में वही दिया था, लास्ट थ्योरी में, और उसी के ऊपर और डिटेल करके दिया है. सिलेबस थोड़ा सा अलग होना चाहिए था. ठीक है, अभी एक केस स्टडी देखते हैं. क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ था तमिलनाडु में, चेन्नई सिटी में. और सेक्शन लॉ जो आईटी एक्ट के अप्लाई किए जाते हैं, 2000 आईटी एक्ट हमारा 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके सेक्शंस अप्लाई किए 120B, 420, 467, 468, ये ऑफेंसेस उसको उस क्रिमिनल के ऊपर लगाए गए थे. क्या था केस? द असिस्टेंट मैनेजर कंप्लेंटेंट, मतलब ये विक्टिम बोलेंगे हम जिसने कंप्लेंट किया था. द असिस्टेंट मैनेजर विद द फ्रॉड कंट्रोल यूनिट ऑफ अ लार्ज बिजनेस प्रोसीजर प्रोसेस आउटसोर्सिंग. एक बीपीओ कंपनी का एक असिस्टेंट मैनेजर था, उसने एक कंप्लेंट फाइल किया था दैट टू ऑफ इट्स एम्प्लॉई हैड कंस्पायर्ड विथ क्रेडिट कार्ड होल्डर टू मैनिपुलेट द क्रेडिट लिमिट एंड एज अ रिजल्ट चीटेड द कंपनी ऑफ इंडियन रुपीज 0.72 मिलियन. तो उसने ये लगाया था कि उसके कंपनी में, मतलब बीपीओ आउटसोर्सिंग कंपनी है वो, कुछ दो एम्प्लॉयज ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के जो क्रेडिट लिमिट होता है ना, उसका लिमिट बढ़ा दिया था. नॉर्मली हमारा क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्या, जैसे हमने लिया जैसे 10,000 पर डे, 40,000 पर डे, ऐसे कुछ रहता है. और उसने लिमिट चेंज कर दिया था, मैनिपुलेट कर दिया था और
उसकी वजह से क्या हुआ था कि कंपनी के 0.072 मिलियंस इंडियन रुपीज वहां पे खर्चा हुआ था। और बीपीओ फैसिलिटी हैड अबाउट 350 एम्प्लॉयज, उसमें ऑलरेडी 350 एम्प्लॉयज थे। देयर प्राइमरी फंक्शन वॉज टू इशू द बैंक क्रेडिट कार्ड एज वेल एज अटेंड टू द कस्टमर एंड क्वेरीज, मर्चेंट क्वेरीज। तो नॉर्मली वो बीपीओ कंपनी का काम क्या था, सभी को क्रेडिट कार्ड बांटना, कस्टमर के क्वेरीज को सॉल्व करना, इस तरह से उनका काम था। और उनके यहाँ पे 350 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे थे, और उसको डाउट था 2 एम्प्लॉयज के ऊपर जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का लिमिट चेंज किया था। ईच एम्प्लॉय वॉज असाइन टू स्पेसिफिक टास्क एंड वॉज ओनली अलाउडेड टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क। और हर एम्प्लॉय को अलग अलग टास्क दिया है, और कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ पर्टिकुलर टास्क के लिए एक्सेस करने के लिए दिया था। द एम्प्लॉयज वेयर नॉट अलाउडेड टू मेक एनी चेंजेस इन द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अकाउंट अनलेस दे रिसीव स्पेसिफिक अप्रूवल। और किसी को भी ऐसी ऑथेंटिक बोलते हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर परमिशन नहीं दी कि कोई भी किसी भी पर्सन का क्रेडिट कार्ड का लिमिट चेंज कर सके विदाउट एनी अप्रूवल। मतलब जब तक असिस्टेंट मैनेजर साइन करके नहीं देगा, जब तक ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, तब तक किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए। तो विदाउट अप्रूवल उन लोगों ने 2 लोगों का चेंज किया था। ईच ऑफ द एम्प्लॉय वॉज गिवन अ यूनिक यूनिवर्स इंडिविजुअल पासवर्ड। आपको पता है बैंक में हर एम्प्लॉय जो काम करता है ना, उसके पास अलग अलग लॉग इन आईडी और पासवर्ड है। वो जो जो अपना अपने लॉग इन से काम करते हैं ना, तो उससे इजीली समझ में आ जाता है कि किसने फ्रॉड किया है। इन केस दे एंटर्ड एन इनकरेक्ट पासवर्ड 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स, देन देयर पासवर्ड वुड गेट ब्लॉक। और उन्होंने 3 बार अगर गलत पासवर्ड डाला तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद उनको टेम्पररी पासवर्ड इशू किया जाता है। द कंपनी सस्पेक्टेड दैट इट्स एम्प्लॉय कंस्पायर्ड विद द सन ऑफ वन ऑफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर। द मॉड्यूस ऑपरेंडी सस्पेक्टेड बाय द क्लाइंट इज एज फॉलो। द बीपीओ एम्प्लॉय डेलिबरेटली कीड इन द रॉन्ग पासवर्ड 3 टाइम्स एंड ऑब्टेन टेम्पररी पासवर्ड टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। ही मैन्युअली रिजर्व द ट्रांजेक्शन ऑफ द कार्ड सो दैट इट अपियर दैट द पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। द सस्पेक्ट आल्सो चेंज द क्रेडिट कार्ड होल्डर एड्रेस सो दैट द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट वुड नेवर डिलीवर टू द एड्रेस। तो उन्होंने कितना काम किया था, देखो कौन से थेफ्ट करते गए वो। पहले तो उन्होंने गलत पासवर्ड डाल के 3 बार कॉन्जिक्यूटिव गलत पासवर्ड डाला, और एक जो टेम्पररी मिला था ना उससे कंप्यूटर को एक्सेस किया। कंप्यूटर को एक्सेस करने के बाद उन्होंने क्या किया, मैन्युअली ट्रांजेक्शन्स जो करते हैं ना क्रेडिट कार्ड के, वो सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद उसका एड्रेस भी चेंज कर दिया कि उसके घर पे वो स्टेटमेंट ना जाए कि कितने उसने कितने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया, क्या क्या किया, और उसके घर पे मतलब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी ना जाए। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंड हुआ, अ प्रोसीजर टू फाइंड द डिजिटल एविडेंस। अभी इसमें ये वाला क्राइम हुआ था, तो इन्वेस्टिगेशन टीम विजिटेड, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम गई एंड बीपीओ ने सारा डिटेल्स बताया कि किस तरह से क्या क्या हुआ है। दे लर्न इन सर्टन सिचुएशन, उन्होंने फाइनेंशियल लिमिट किस तरह से चेंज हुआ और किस तरह से कस्टमर्स के एड्रेस को भी चेंज कर दिया, तो वो सारे डिटेल्स उन्होंने बता दिए। देन टीम ने एनालिसिस करना शुरू किया, अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया, कितने लोग रोज आते थे उनका अटेंडेंस चेक किया, शो किया, देखा कि कितने गलत एंट्रीज कितने हैं वो भी चेक करते गए। फ्रॉडलेंट मतलब कितने फ्रॉड किए हुए एंट्रीज है, कितनी बार रॉन्ग हो चुका है, वो सारे एंट्रीज चेक किए, आईडी चेक किया। देन टीम आल्सो विजिटेड द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम वेयर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन। और फिर वो उस पर्सन के यहाँ पे गए कि जहाँ पे इतने सारे ट्रांजेक्शन हुए क्रेडिट कार्ड से। द ओनर ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफाइड द होल्डर ऑफ एड ऑन कार्ड, उसके ओनर के पास गए जिनका वो क्रेडिट कार्ड था। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद करंट स्टेटस ये था, द बीपीओ वॉज इन्फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी लैप्स इन द सॉफ्टवेयर यूटिलाइज आर्म विद द एविडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन टीम अरेस्टेड ऑल द अक्यूज एंड रिकवर ऑन देयर कन्फेशन। अभी उन्होंने फिर बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया, और आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो डिटेल में होता है। उनको फाइंड आउट क्या क्या हुआ पता है क्या, उन्होंने उस लोगों को भी पकड़ा, उनके पास 6 मोबाइल थे, उनके पास कॉस्टली रिस्ट वॉचेस थे, ज्वेलरी थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, क्रेडिट कार्ड्स थे, इंडियन के 3 मिलियंस थे उनके अपने इंडियन रुपीस, देन कैश थे उनके पास 25,000, इतना सारा उनके पास से
ये मिला। द केस वॉन द सेकेंड रनर अ पोजिशन फॉर द इंडिया साइबर कॉप अवार्ड फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर एस बलू, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम चेन्नई पुलिस। तो ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था मिस्टर एस बल्लू, मिस्टर एस बल्लू ने सबसे उसको सेकेंड रनर अप उसको अवार्ड दिया उस पर्सन को, कि इतने स्मॉलेस्ट टाइम में उसने इतने जल्दी उस क्राइम सीन को फाइंड आउट किया और उस क्रिमिनल को भी फाइंड किया जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के अमाउंट की चेंज कर दिया था, कहाँ से किया और उनका प्रॉपर एक प्रोसीजर किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उनको एक अवार्ड दिया सेकेंड पोजीशन का। वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है चेन्नई ब्रांच में। तो ये था पहला केस, समझा क्या केस? हेलो, सुन रहे क्या बाकी लोग? पहला केस स्टडी बताया मैंने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का। अभी उसमें है ना ये डिटेल प्रोसीजर नहीं दिया है कि उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया था, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किया इतना दिया है। अभी एक चार केसेस दिए हैं, मैं एटलीस्ट दो तो भी पढ़ती हूँ, बाकी आप दो पढ़ लेना। ये प्रोफाइल वाला दिया है, अभी पढ़े क्या सभी चारों के चारों पढ़ने हैं क्या? केस स्टडी चारों पढ़ने हैं क्या या आप पढ़ लोगे दो? एक्सप्लेन करूं? रिप्लाई करने के पैसे लगते हैं क्या आप लोगों को? चारों केस स्टडी एक्सप्लेन करूं या दो करूं? आप लोग पढ़ने वाले हो क्या बाद में? ठीक है, क्या है तीन ने एक्सप्लेन करो, ठीक है तीन करती हूँ। हाँ ये वाला सेकंड क्या केस थे? अभी सेकंड केस देखते हैं। ये सेकंड केस ये है होस्टिंग ऑब्सेन्स ऑब्सेन प्रोफाइल, होस्टिंग ऑब्सेन्स प्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? तमिलनाडु में ही हुआ था अगेन, तमिलनाडु में चेन्नई में ही हुआ था अगेन। आईटी एक्ट जो है 2000 उसके 469 509 ये इंडियन पैनल कोड के वहां पे सेक्शंस लागू किए गए। बैकग्राउंड क्या था? अभी द कंप्लेंट हैड स्टेटेड दैट सम अननोन पर्सन हैड क्रिएटेड एन ईमेल आईडी यूजिंग हर नेम, हैड यूज दिस आईडी टू पोस्ट मैसेजेस ऑन 5 वेब पेजेस डिस्क्राइबिंग हर एज अ कॉल गर्ल अलोंग विथ हर कॉन्टेक्ट नंबर। तो एक लड़की ने किया है शायद ये कंप्लेंट, कि क्या किया था उसका एक ईमेल आईडी लिया था किसी ने और उस ईमेल आईडी को उस ईमेल आईडी को यूज कर रहे थे कुछ जो हैकर है जो होगा पर्सन, वो उसने क्या किया था उस ईमेल आईडी को यूज करके 5 अलग अलग वेबसाइट्स पे उसका नंबर डाल दिया था और उसको एज अ कॉल गर्ल, मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा एक बैड गर्ल की इमेज रहती है, उस तरह से उसका थोड़ा सा पब्लिसिटी कर दिया था। तो उसको उस की वजह से ईमेल्स या फिर कॉल आते होंगे। एज अ रिजल्ट शी स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ ऑफेंडिंग कॉल्स फ्रॉम अ मैन। अभी उसका नंबर अगर डाल देंगे उसका ईमेल आईडी तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसे था? आफ्टर द कंप्लेंट हियर्ड अबाउट द वेब पेजेस विद हर कॉन्टेक्ट डिटेल्स शी क्रिएटेड अ यूजर नेम टू एक्सेस एंड व्यू दिस पेज यूजिंग द सेम लॉगिन डिटेल द इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक्सेस द वेब पेजेस वेयर शी where this profile were uploaded. The message had been posted on 5 groups, one of which was public group. The investigating team obtained the access log of the public group and the message to identify the IP address used to post the message. Two IP address were identified. फिर उन्होंने क्या किया? उस लड़की का एक अलग यूजर नेम और एक्सेस बनाया और उसने उन जो अलग अलग 5 वेबसाइट पे उसका नंबर डाला था उस पे उन्होंने है ना जानबूझ के उसको वेबसाइट को मतलब ये करने की कोशिश की, लॉगिन करने की। तो उनसे उसे फाइंड आउट हुआ कि वो वाले 5 जो अलग अलग वेबसाइट से जो डेटा डाल रहे थे उनके आईपी एड्रेस उनको मिले, दो आईपी एड्रेस मिले कंप्यूटर के और वो पब्लिक ग्रुप में मतलब पब्लिकली ग्रुप में जो रहते ना वो वाले थे।
तो आईपी एड्रेस मिलने के बाद, जब जैसे आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइड हुए कि ये पांच जो वेबसाइट है जहाँ से इसका डेटा अपलोड किया गया है, उस लेडी का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी जहाँ से अपलोड किया, वो जो जो आईपी एड्रेस मिले, तो उस आईपी एड्रेस के क्या पब्लिकली मतलब जो साइबर कैफे होते हैं ना, वो पब्लिक इंटरनेट साइट्स, वहाँ से उसको अपलोड किया था। द रिक्वेस्ट वॉज मेड टू ISP टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को उस आईपी एड्रेस की डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया गया। आपको ये पता है क्या, जो पुलिस क्राइम ब्रांच के जो रहते हैं उनको अथॉरिटी रहती है कि वो डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं, तो उन्होंने वो आईपी एड्रेस देके एक रिक्वेस्ट किया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि ये वाले आईपी एड्रेस कहाँ से, मतलब ये कहाँ के, उनका लोकेशन फाइंड करो। तो उन्होंने क्या किया, वो फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। दे प्रोवाइडेड द नेम एंड एड्रेस ऑफ टू साइबर कैफे। और वो क्या किया था, जो अपलोड किया गया था वो डेटा, वो था दो साइबर कैफे से हुआ था जो मुंबई के था, मुंबई के लोकेशन में आ रहे थे। ये जब भी क्राइम होते हैं ना, किसी का ईमेल आईडी हैक होता है या यूजर नेम पासवर्ड, तो नॉर्मली वो साइबर कैफे से ही किए जाते हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम स्क्रूटिनाइज द रजिस्टर मेंटेन बाय द साइबर कैफे एंड फाउंड दैट इन वन केस द कंप्लेनर नेम हैड बीन साइन इनटू द रजिस्टर। फिर वो वहां पे गए जहाँ पे आईपी एड्रेस मिला। आईपी एड्रेस जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक लॉक रजिस्टर, हम जाते हैं ना बाहर कैफे में तो वो हमारा नाम पता कितने टाइम तक कौन सा काम है वो लिख लेते हैं, तो उसको एग्जामाइन किया। क्रॉस एग्जामिनेशन उनमें कुछ डिटेल्स मिले, पहले तो ड्यूरिंग वन ऑफ द मीटिंग शी रिवील्ड दैट शी हैज रिफ्यूज अ फॉर्मर कॉलेज मेट हु हैड प्रपोज मैरिज। इन व्यू ऑफ द अबव फॉर्मर कॉलेज मेट बिकम द प्राइम सस्पेक्ट। उसका कोई कॉलेज मेट था जो उसका प्राइम सस्पेक्ट फाइंड हुआ, मतलब कॉलेज का ही कोई पर्सन था जिसके साथ वो पढ़ रही थी। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द इन्वेस्टिगेशन टीम, मुंबई पुलिस ने फिर उनको अरेस्ट किया, सस्पेक्ट को, उसके मोबाइल फोन को फाइंड आउट किया, उसके जो भी सिम कार्ड मिले, फोन नंबर्स थे उसके पास, जो भी डिटेल्स थे जहाँ से उसने क्राइम किया था वो सभी फाइंड आउट किया, और उसके बाद उसको उसके ऊपर वो सारे ऑफेंसेस अप्लाई किए गए। द सस्पेक्ट वाज कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम एंड सेंटेंस टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या रहता है, उसको 2 साल तक कैद रही और फाइन भरना पड़ा। ये वाला एक सीन था, केस नंबर 3 है। केस नंबर 2 समझा क्या, आवाज आ रही है ना सभी को क्लियर? तो क्राइम नंबर 3 है, केस इलीगल मनी ट्रांसफर, ये महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। उसमें सेक्शंस लगाए हैं 467, 68, 4 से। ये क्रिमिनल्स सेक्शन कैसे लगाते हैं कि जो जो वो करते जाते हैं ना गलत काम, और जिस कलम के अंदर लिखे जाते हैं ना उतने सारे सेक्शंस ऑफ लॉ लगाए जाते हैं। तो ये वाले सारे क्या है, तो केस नंबर 3 पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अभी इसमें भी आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई किया। क्या क्या हुआ था देखो, द एक्यूज इन द केस वेयर वर्किंग इन बीपीओ, बीपीओ कंपनी होता है, दैट वाज हैंडलिंग द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग्स रहते हैं, वो मल्टीनेशनल बैंक थी। द एक्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क हैड ऑब्टेन द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन द बैंक ऑफ द बैंक कस्टमर यूजिंग दिस एक्यूज देयर। तो उन्होंने क्या किया था, साइबर क्राइम के थ्रू ह्यूज सम ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ डिफरेंट कस्टमर टू फेक अकाउंट। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, किसी एक पर्सन का जो है वो पिन, हम डालते हैं ना, बोलते हो क्या बोलते हैं उसको, एटीएम पिन, एटीएम पिन रहता है जो हमारा, बोलते हैं बार बार कि उसको शेयर मत करो। तो किसी को किसी का एक पिन मिल गया था जिसकी वजह से उसने एक पर्सन के मनी बैंक अकाउंट से फेक अकाउंट में पैसे, बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे
बाय साइबर कैफे के थ्रू। और जब भी क्राइम होता है ना, नॉर्मली साइबर कैफे से किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे पर्सन डेली आते जाते रहते हैं, तो उससे जल्दी से हम आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, इसलिए किया जाता है। अभी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया? द प्रोसीजर टू फाइंड द डिजिटल एविडेंस ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, द एंटायर बिजनेस प्रोसेस ऑफ द कंप्लेंट फर्म वॉज स्टडीड एंड अ सिस्टम एनालिसिस वॉज कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश पॉसिबल सोर्स ऑफ द डाटा टेप। तो उन्होंने उसी टाइम पे उनको पता चल गया कि हमारे कंपनी का डेटा कोई तो भी चोरी कर रहा है, जिसकी वजह से पिन लीक हो गया। द इन्वेस्टिगेटर वेयर सक्सेसफुल अरेस्टिंग टू पीपल। तो इन्वेस्टिगेशन में दो पीपल को अरेस्ट किया गया। लेड अ ट्रैप इन अ लोकल बैंक वेयर द एक्यूज हैड फेक अकाउंट फॉर इलीगली ट्रांसफरिंग मनी। और जिसमें उन्होंने एक लोकल बैंक में फेक अकाउंट बना के रखा था, जो इलीगल जो मनी मिलेंगे उसको ट्रांसफर करने के लिए। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, फेक अकाउंट का मतलब क्या है कि उनका खुद का नाम नहीं दिया होगा, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट देके अलग अकाउंट बनाया होगा। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द सिस्टम सर्वर लॉग ऑफ द बीपीओ वेयर कलेक्टेड, द आईपी एड्रेस वेयर ट्रेस टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अल्टीमेटली द साइबर कैफे थ्रू विच इलीगल ट्रांसफर वेयर मेड। सेम प्रीवियस में जैसे हुआ था, फिर आईपी एड्रेस मिले जहाँ जहाँ से वो मनी ट्रांसफर कर रहे थे, और फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट किया गया कि आईपी एड्रेस की लोकेशन बताओ, फिर एक साइबर कैफे का एड्रेस बताया। फिर साइबर कैफे में आपको पता है कि जब हम जाते हैं तो हमारा नाम एंटर करके रखना पड़ता है, एक रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है हमें, तो उसकी थ्रू हमें अगेन यहाँ पे भी ईमेल आईडी, फोन कॉल, प्रिंट जो भी मिला उस बेसिस के ऊपर उस पर्सन को अरेस्ट किया गया। सम ईमेल अकाउंट ऑफ द एक्यूज कंटेन स्विफ्ट कोड विच वेयर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल मनी ट्रांसफर, और उसके लिए जो कोड लग रहा था वो यूज कर रहे थे। ऑल द 17 एक्यूज इन द केस वेयर अरेस्टेड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, द चार्ज शीट वॉज सबमिटेड। और उसमें पहले तो दो ही निकले थे, लेकिन बाद में पता चला कि 17 ऐसे लोग हैं जो उस बैंक के जो एटीएम पिन का जो डेटा है ना, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे 9 मिलियन जो थे वो उसकी वजह से ट्रांजिट किए गए थे। फिर उनको ब्लॉक किया गया उस अकाउंट को, वहां से सारा मनी रिकवर किया गया, प्रोसेस चला फिर, और वो जो 17 पीपल थे उनके ऊपर पूरा केस चला, और उनके ऊपर फिर जो भी ऑफेंसेस है वो लगा दिए गए। अभी इसमें अगेन ये वाला सबसे बहुत बड़ा क्राइम था, बहुत सारे पर्सन थे इसमें। दिस केस वॉज वोन बाय द इंडियन साइबर कॉप अवार्ड। इसमें भी इंडियन साइबर का एक अवार्ड दिया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर संजय जाधव, संजय जाधव ने किया था। यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है क्राइम ब्रांच पुणे, उन्होंने किया था पूरा। एंड द पैनल ऑफ जजेस फेल्ड दैट दिस केस वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट वन फॉर द इंडियन आईटी इंडस्ट्री ड्यूरिंग 2005। और उस टाइम पे 2005 के टाइम पे है ना, आईपी साइबर कैफे वगैरह में भी ज्यादा एंट्रीज वगैरह नहीं करते थे, या फिर आईपी एड्रेस से डेटा निकालना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डेटा निकालना इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस सिचुएशन में 2005 में उस पर्सन ने ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन किया, और छोटी सी चीज से भी बहुत बड़ा उसने, बहुत बड़ा जो फ्रॉड था वो निकाला। उसलिए ये वाला भी बहुत विदिन अ 90 डेज में उसने अरेस्ट किया और उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया, और हो गया 90 डेज में ये पूरा, मतलब 3 महीने में ही ये पूरा केस कंप्लीट हो गया था। दैट्स व्हाई संजय यादव को अवार्ड मिला था। अभी लास्ट वाला भी पढ़ लेती हूँ, इतना पढ़ लिया तो। केस 5 भी है आई थिंक। केस 4 क्या है वो देखते हैं। सुन रहे हैं क्या या बोर हो रहा है? सुन रहे हैं क्या सभी स्टूडेंट्स? बोर हो रहा है टॉपिक? नहीं मैम, इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में। ठीक है, अभी केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में क्या हुआ था? केस नंबर 4 हुआ था फेक ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट होता है ना, जब हम बाहर जाते हैं टूर पे जाते हैं, तो एक ट्रैवल एजेंट होता है जो हमारे बुकिंग करके देता है। तो उसकी मुंबई महाराष्ट्र की केस है वो। उसने
उसमें भी सेक्शंस ऑफ लॉ लगाए गए थे, 420, 465, 467, इतने सारे इंडियन रेलवे एक्ट का लगाया गया आईपीसी। अभी ये फेक ट्रैवल एजेंट जो है उसमें किस तरह से किया था वो देखते हैं अभी। द एक्यूज इन दिस केस वॉज पोजिंग टू अ जिन्यून रेलवे टिकट एजेंट एंड हैड बीन परचेसिंग टिकट्स ऑनलाइन बाय यूजिंग स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। अभी इसमें क्या कर रहा था, वो रेलवे टिकट का एजेंट बता रहा था खुद को, और वो क्या कर रहा था, लोगों के लिए ऑनलाइन टिकट परचेस करता था। और वो ऑनलाइन कैसे परचेस करता था, दूसरों के चुराए हुए क्रेडिट कार्ड से, जो यहाँ पे नहीं रहते, नॉन रेसिडेंट जो वहाँ पे नहीं थे ना, उन लोगों के क्रेडिट कार्ड स्टोलन किए थे और उनके इंफॉर्मेशन डाल के ऑनलाइन टिकट्स परचेस किया करता था और सबको बताता था कि मैं एक रेलवे में टिकट एजेंट हूँ, इस तरह से कुछ है। द एक्यूज क्रिएटेड फ्रॉडेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोफाइल विच ही यूज टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन। द टिकट्स परचेस वेयर सोल्ड फॉर कैश टू अदर पैसेंजर्स। और जो 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 वो परचेस करता था ना, फिर वो पैसेंजर्स को वो टिकट बेचता था। एजेंट क्या करते है? फिर थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे के हमें टिकट दे दे देते। तो सच इवेंट ऑकर्ड फॉर अ पीरियड अबाउट 4 मंथ्स। ऐसा वो कंप्लीटली 4 महीने से कर रहा था। द ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस प्रोवाइडर टुक नोटिस ऑफ दिस एंड लॉग अ कंप्लेंट विद द साइबर क्राइम। फिर जो टिकट बुकिंग वाला था ना, जहाँ से रेलवे के टिकट बुक हो रहे थे, उसके समझ में आ गया कि बार बार सेम सेम एक ही इससे ट्रांजेक्शन हो रहा है, या फिर गलत कुछ उसको फाइंड आउट हुआ होगा कि ये नाम अलग है और ये अलग डिटेल डाल के कर रहा है, तो उसने कंप्लेंट कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, द प्रोसीजर टू फाइंड द डिजिटल एविडेंस। द सर्विस प्रोवाइडर गेव द आईपी एड्रेस व्हिच वेयर यूज्ड फॉर द फ्रॉड एंड ऑनलाइन बुकिंग। तो जिसने कंप्लेन किया था ना, उसने कुछ आईपी एड्रेसेस बताए कि जिसको यूज करके वो ऑनलाइन बुकिंग करता था। आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए गए तो वो कैफे के निकले। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब भी साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम मतलब ये होता है कंप्यूटर के रिलेटेड क्राइम, तो कैफे से करते हैं क्योंकि ज्यादा पर्सन आते हैं और इजीली कोई पर्सन जो हैकर है वो नहीं मिलता। तो साइबर कैफे में जाके करता था और दो अलग अलग लोकेशंस के डिटेल्स आए। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम विजिटेड द साइबर कैफे बट वॉज नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड लॉग एज दे वेर नॉट मेंटेन। और उसके ओनर क्या करता था, रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता था, कौन आया कौन गया, किसने कौन सी वेबसाइट देखी, क्या किया, तो थोड़ा सा उनको हार्ड जा रहा था। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम वॉज एबल टू शॉर्ट लिस्ट द पर्सन प्रेजेंट एट साइबर कैफे वेन द बुकिंग वेयर मेड। तो उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट लिस्ट बनाना शुरू की कि जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते हैं तो साइबर कैफे में कौन कौन बुकिंग करने आता है। तो उसने क्या किया था कि उनके पास कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता था, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जब बुकिंग का टाइम रहता है रेलवे बुकिंग का, तो उस टाइम पे रेगुलरली कौन आता है बुकिंग करने के लिए वो चेक किया। तो बुकिंग करने के लिए जो नॉर्मली 2 पर्सन आते थे ना, उनकी वजह से उनको पता चल गया कि नॉर्मली रेगुलरली हमारे साइबर कैफे से ये 2 लोग हमेशा रेलवे के टिकट की बुकिंग करते हैं। फिर और उन लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन टीम ने वैसे ही टीम ने ऐसे पैसेंजर्स को फाइंड आउट किए जिनको उन्होंने टिकट बेचा था। तो वो टिकट बेचने के टाइम पे वो खुद देने नहीं जाते थे, एक डिलीवरी बॉय को भेजते थे। तो डिलीवरी बॉय के थ्रू जितने लोगों को भेजते थे ना, उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और डिलीवरी बॉय ने फिर बता दिया कि वो किसके पास से टिकट ले रहा है और हैंड ओवर कर रहा है।
तो इस वजह से क्या हुआ कि उस डिलीवरी बॉय के थ्रू दो लोगों तक पहुंच सके, और दो लोगों ने फिर वो ऑनलाइन फ्रॉड टिकट ट्रैवल एजेंट का जो काम कर रहे थे वो फिर फाइंड आउट हुआ। मतलब इसमें क्या हेल्प किया, साइबर कैफे वाले जो ओनर थे ना, उन्होंने हेल्प किया कि वो रजिस्टर नहीं मेंटेन करे, लेकिन वो 8-10 दिन उन्होंने कंटिन्यूअसली एक वॉच किया कि कौन हमारे यहाँ पे बुकिंग करने के लिए आता है, रेलवे टिकट बुकिंग के लिए। और जो नॉर्मली वो पर्सन बार बार जो आ रहा था ना, फिर उनका नाम बताया, और फिर टीम वालों ने क्या किया, उनके लिए टिकट बुक किया, और वो टिकट देने के लिए एक डिलीवरी बॉय आया, और उस डिलीवरी बॉय से उन्होंने फाइंड करते करते फिर उस मेन वाला जो थे फ्रॉड करने वाला जो पर्सन था एजेंट, उसके वहां तक वो पहुंच गए। तो ये था केस नंबर 4। केस नंबर 5 पढ़ लेना, एक्चुअली मैंने केस नंबर 5 भी पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4।